मिशन 2023 नजदीक है, ऐसे में बीजेपी भी अब अपनी तैयारियों में जुटी हुई नजर आ रही है। उधर लगातार प्रदेश और जिला स्तर पर संगठनात्मक बदलाव भी किए जा रहे हैं, जिससे आने वाले समय में संगठन को मजबूती मिल सके। हाल ही में सियासत का गढ़ कहे जाने वाले इंदौर संभाग में बीजेपी ने बड़ा बदलाव करते हुए राघवेंद्र गौतम को संभागीय प्रभारी बनाया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। इससे पहले ये जिम्मेदारी बीजेपी के प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी देख रहे थे, वहीं अब गौतम को इंदौर संभाग का प्रभारी बनाते हुए दायित्व सौंपा गया है। इससे पहले गौतम सह संभाग सभारी के तौर पर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे थे, वहीं अब इस नियुक्ति के बाद नगर कार्यकारिणी में भी बदलाव जल्द होने की संभावना जताई जा रही है। शिवपुर जिले के रहने वाले राघवेंद्र गौतम इससे पहले सीहोर और रीवा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग प्रचारक भी रह चुके हैं, वे जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। गौतम को कुशल संगठन माना जाता है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा सहित प्रदेश के कई दिग्गज नेता संगठन से जुड़े मामलों व निर्णयों में उनके सुझावों को पूरा महत्व देते हैं। वर्तमान में गौतम भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य होने के साथ ही बड़वानी जिले के प्रभारी थे और कुछ माह पहले ही उन्हें प्रमोट कर इंदौर संभाग का सह प्रभारी बनाया गया था और अब उन्हें संभाग प्रभारी नियुक्त कर दिया गया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो आगामी दिनों में मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव होने हैं। इन्हें चुनावों को देखते बीजेपी अपनी तैयारियों में जुटी हुई नजर आ रही है। वहीं अब इससे पहले संगठनात्मक नियुक्तियों के साथ ही संगठनात्मक बदलाव का सिलसिला भी शुरू हो गया है, जिसकी शुरुआत संगठन ने इंदौर संभाग के प्रभारी को बदलने के साथ की है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।